नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं और आप बनाना चाहते हैं कोई भी सर्किट डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से, चाहे आप आईटीआई किए हो या नहीं किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं, चाहे वो यूपीएस का हो, इन्वर्टर का हो या फिर कोई भी सर्किट हो, बहुत ही आसान तरीके से। आप कोई नया सर्किट बनाने का कोई आइडिया आपके मन में हो तो वो भी आइडिया आप बिल्कुल यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप कोई भी सर्किट बहुत ही इजिली तरीके से बना सकते हैं केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं आपको डीपली में बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन का देख रहे हैं स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर में सर्च करना होगा एवरी सर्किट। ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ EVERY एवरी सर्किट। आप यहाँ पे एवरी सर्किट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। ये एप्लीकेशन 8.4 MB का है जो कि 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप इसमें कोई भी सर्किट, चाहे वो आसान हो या फिर हार्ड हो, बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं ताकि आपको मदद मिल सके। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको ओपन करना होगा। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। ये जस्ट थोड़ा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो फीचर मिलेंगे। पहला ये कि आप कोई भी नया सर्किट बना सकते हैं जो आपके मन में हो, जो भी आप आइडिया लगा रहे हो कि इस तरीके का सर्किट होना चाहिए और वो काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे आप एक नया सर्किट बना के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। और दूसरा इसका जो सबसे कमाल का फीचर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इसमें ढेर सारे सर्किट पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप इन्वर्टर का सर्किट बनाइए, तो यहाँ पे इन्वर्टर का सर्किट आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि कितनी क्षमता के उसमें रजिस्टर लगे हैं, कितनी क्षमता के डायोड लगे हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, सारे की आप रेटिंग के साथ देख सकते हैं। पूरा सर्किट डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक नया सर्किट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा आपको, और नया सर्किट बनाने के लिए आपको आप अपने हिसाब से आइडिया लगाइए। मैं आपको बहुत ही आसान सर्किट बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी से एक LED जलानी हो। तो यहाँ पे मुझे सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लेनी होगी। ये वोल्ट 1 वोल्ट का है। हम इसके सेटिंग में जाके, यहाँ पे सेटिंग दिया गया है, यहाँ पे आप 12 वोल्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे इसके वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 12 वोल्ट, ये 13 वोल्ट हो गया है। हम इसको माइनस कर लेते हैं और ये रहा। अब यहाँ पे हम एक LED लेंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए कि LED का सिंबल क्या होता है। यहाँ पे सारे सिंबल दिए गए हैं, हम यहाँ पे एक LED का सिंबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम LED ले लिए, 12 वोल्ट की बैटरी ले लिए। अब यहाँ पे हम 12 वोल्ट की बैटरी को ग्राउंड कर देंगे। इसके पहले, सबसे पहले ग्राउंड करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। दोस्तों, यदि आपका कनेक्शन त्रुटिबद्ध होगा, यानी कि कनेक्शन गलत होगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको नोटिस करेगा कि हाँ, यहाँ पे गलती है। और यदि आपने क्षमता से ज्यादा चीज की डायोड लगा दी, जैसे क्षमता से ज्यादा का उपकरण लगा दिए, तो यहाँ पे आपको ब्लास्ट होते हुए दिखाएगा। जैसे कि हमारा ये 12 वोल्ट की बैटरी पे आप सिंपली एक छोटा सा LED लगाते हैं तो LED जल जाती है। तो ये मेरा अभी LED जलने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमको बिना रजिस्टर लगाए हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी में LED लगा देंगे तो जल जाएगा। हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सप्लाई दिया, ये इसका करंट फ्लो होने लगा और हमारी LED जल गई। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात है कि एक रजिस्टर लगा देते हैं। तो हमको इसके यहाँ पे बहुत ही आसान होता है, इसका इंटरफेस बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला रजिस्टर है, सॉरी, ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ये रजिस्टर है। इसको रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पता नहीं होता कि हमको किस क्षमता का रजिस्टर लगाना होगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको जोड़ देना है इनके पॉइंट पे क्लिक करके। इस यहाँ पे आपको जुड़ गया है। यहाँ पे टी पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको प्ले कर देंगे। यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होने लगा। आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो तो हो रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये LED बहुत ही धीरे जल रही है। तो हम यहाँ पे इसके रजिस्टर का थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे रजिस्टर को कम करने के लिए ये 1 किलो ओम का है, हम इसको माइनस कर देंगे। ये जैसे जैसे हम माइनस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं LED ज्यादा
तेज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 ओम का यदि रेजिस्टर लगाते हैं 12 वोल्ट की बैटरी में तो ये सही तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी नया सर्किट बना के टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सर्किट है, आप इससे भी ज़्यादा आपको आइडिया हो, ज़्यादा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ और आगे भी आपको तरह तरह के सर्किट बना के भी दिखाऊंगा। ये तो सिंपल सा आपको केवल एक इंट्रो के लिए सर्किट बनाया है, तो यहाँ पे आप इसको बना के देख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा फीचर है, दूसरे फीचर पे हम चले जाते हैं, हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं कि ऑलरेडी इसमें ढेर सारे सर्किट बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे ढेर सारे सर्किट बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डायोड का प्रयोग कैसे होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे इसके हाफ वेव रेक्टिफायर के इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमारा दिख रहा है प्रैक्टिकली के थ्रू कि कैसे इसका वेव फॉर्म होता है, और नीचे आपको दिख रहा है कि इसका डायग्राम कैसे होता है। एक डायोड लगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये वन साइड होता है, यानी एक स्विच की भांति होता है, तो एक तरीके पॉजिटिव तरीके से फ्लो करेगा, नेगेटिव तरीके से नहीं फ्लो करेगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ है, आप इसे इंस्टॉल करके जरूर देखें। उम्मीद है कि आप इंस्टॉल कर चुके होंगे और यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो हम चलिए हमको और बता देते हैं कि यहाँ पे आप इसका ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे सिंबल, ढेर सारे सर्किट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी लगता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो उस पॉइंट को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी उचित मदद करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का है, मुझे भी बहुत जल्दी पता चला तो सोचा मैं अपने सभी मित्रों को बता दूं। तो चलिए इस वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिएगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।